जैसा कि दोस्तों स्टेप थ्री में हमने इसका हेयर स्मूथ ही किया था और अभी हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे सेव। जैसे ही हम इसको सेव कर लेंगे तो ये हमारी गैलरी में पहुँच जाएगी। चलें दोस्तों हम भी अपनी गैलरी की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमारी गैलरी में आ चुकी है। अगर आप इसको अपनी पिक्स को AI में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आप स्टेप फोर में देख लें। चलें दोस्तों आपको स्टेप फोर में आज जो है ना जस्ट AI बनाना सिखाते हैं। आपने सिंपल प्ले स्टोर से प्रीक्वेल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप प्रीक्वेल ऐप डाउनलोड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रो वर्जन तो नहीं मिलेगा लेकिन आप उधर से भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे या मेरे इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लें तो मैं वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल सेंड कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक हुआ तो आप उसको ज्वाइन कर लें। तो जस्ट आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है अगर आप AI की फ़ोटोज़ बनाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको अपनी AI में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो चलें मैं दोस्तों आपको इसको AI में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ जस्ट ओनली ऑन वन क्लिक में। ये देखें जैसे ही 100 होती है तो हमारी पिक्स इधर आ जाएगी। तो हम इसको आपको AI फ़ोटोज़ में कन्वर्ट भी करके दिखाएंगे और AI में बना के भी दिखाएंगे। और रियल फेस वो नहीं होगा जो आपका फेस क्या हो और AI क्या उसको बना दे, वो चीज़ नहीं होगी। ये देखें इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा फिल्टर्स हैं लेकिन आपने किसी भी फिल्टर्स को नहीं छेड़ना। ठीक है दोस्तों, किसी भी फिल्टर्स को नहीं छेड़ना। मेरे पास तो इसका प्रो वर्जन है, आपके पास प्रो वर्जन नहीं होगा। इसके लिए नेट का पैकेज होना भी ज़रूरी है। तो आप सिंपल आपके पास जो होगा आपके पास ये फ़िल्टर्स एक अप्लाई होगा जिसको आप जस्ट फ्री में अप्लाई कर सकते हैं अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा, 11 सेकेंड, 8, 9, 7, मतलब जैसे ही ये सेकेंड ख़त्म होते हैं तो आपकी पिक्स AI में कन्वर्ट हो जाएगी और बिल्कुल रियल होगी। ये नहीं कि फेस कौन सा और एडिट कौन सी। तो चलें ये भी देख लेते हैं ये क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें ये आपके पास, मतलब अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आप इस तरह की AI बना सकते हैं। अगर आप प्रो वर्जन करते हैं या अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए तो मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपने इसको सिंपल क्लिक कर लेना है। चलिए मैं इसको आपको कल के दिखाता हूँ और इस पर AI का रिज़ल्ट आप चेक करें। देखिए मतलब थोड़ी देर वेटिंग लेता है, वेटिंग लेने के बाद ही आपकी पिक्स AI में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखते हैं कि यहाँ पर AI की पिक्स किस तरह तैयार हुई है। चले दोस्तों ये हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है और हमारी ये देखें और आपके सामने ये ओरिजिनल पिक्स है और ये AI की मदद से, मतलब ये जो फिल्टर्स है। तो यहाँ पे हम इसको AI की मदद से धमाकेदार एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप ही आपको समझाया है। अगर ये आप स्टेप नंबर 3 देख रहे हैं या 4 देख रहे हैं तो आपने शुरू से स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। स्टेप बाय स्टेप आप इस तरीके से बिल्कुल ज़बरदस्त एडिटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया गया है। तो ये नहीं कि आप इसको सेव नहीं कर सकते, सिंपल आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप इसको ओनली सेव भी कर सकते हैं अपनी डिवाइस में। तो ये हमारी पिक सेव हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और AI की अगर आप इस तरह के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये ओरिजिनल पिक चेक कर सकते हैं और ये जो हमने अभी AI की मदद से एडिट की है तो ये भी आप चेक कर सकते हैं किस तरह हमने मतलब इसको धमाकेदार एडिट कर दिया है यार जस्ट वन ही क्लिक में। अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपको मैं सिखा रहा हूँ ओनली ऑन फोटो एडिटिंग का कोर्स जो कि लोग पैसे लेकर सिखाते हैं, मैं जस्ट आपको फ्री सिखा रहा हूँ। और इंशाल्लाह और भी इस तरह के अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहेंगे। चलें दोस्तों अभी हम आपको करके दिखाएंगे पिक्सआर्ट की मदद से कार्टून फ़ोटोज़ कैसे बनाते हैं, ताकि अगर आपको पास ये ऐप नहीं है अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो में देखें इंशाल्लाह स्टेप नंबर 5 में।